आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। सरकार जहां बेटी के जन्म शिक्षा से लेकर विवाह तक कई योजनाएं बेटी के लिए चला रही है, वहीं दूसरी ओर चतरा जिले के ईटाखोरी प्रखंड स्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में लड़कियों को पूरी तरह जर्जर विद्यालय में पढ़ने को मजबूर है। विद्यालय बहुत पुराना हो जाने के कारण ऊपर की छत टूटकर गिरती रहती है। पढ़ते समय लड़कियों को हमेशा डर लगता है, बरसात में पूरे छत में जहां तहां से पानी चुचाता रहता है। विद्यालय में लगभग 500 छात्र हैं। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है, पुराने शौचालय टूट चुके हैं। प्रयोगशाला में लगभग 10 कंप्यूटर हैं, जहां के खिड़की कमजोर है, चोरी होने का भी डर लगा रहता है। विद्यालय के मेन गेट के पास नाली बनी हुई है, जिसके कारण वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। उन्होंने कई बार आवेदन भी दिए कि कई अधिकारी और शिक्षा मंत्रियों को भी दिए। शिक्षा मंत्री को दिए पत्र को भी उन्होंने दिखाया, जनसंवाद में भी शिकायत की, पर नेता या अधिकारी के पास इसका कोई असर नहीं पड़ा। चतरा झारखंड से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जिया राज। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। क्या समस्या है स्कूल में? पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, ऊपर छत जो टूट टूट के गिरते रहता है, बाथरूम नहीं है, मेन गर्ल्स स्कूल में बाथरूम ही नहीं है। और क्या समस्या है? और नाली है, साइकिल सेट नहीं है, भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या नाम है? पीयू कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। क्या समस्या है स्कूल में? स्कूल में तो वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो मेन समस्या है वो बाथरूम नहीं है, और जो स्कूल के सामने में जो नाली है उसमें बहुत सारी लड़कियों के गिरने की संभावना रहती है। बहुत सारी लड़कियां गिर भी चुकी हैं, और जो स्कूल की जो बाउंड्री है वो बहुत छोटी छोटी है, जिसके कारण स्कूल की जो लड़कियां होती है वो कभी कभी उसको टपके और बाहर भाग भी जाती हैं। और बहुत सारे जब स्कूल बंद होता है तो बाउंड्री छोटी होने के कारण बहुत सारे लड़के भी यहाँ पे आकर के और खेलते वेलते हैं, और भी बहुत सारे मतलब कुछ करते हैं। फिर जो ऊपर में जो छत है वो भी टूटा हुआ है, जिसके कारण बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी टपकता है। और जो स्कूल के जो पुराना जो बिल्डिंग है वो अधूरा है, और अगर वो बन जाता तो उसके कारण हमारे जो क्लास स्कूल में क्लास कच्चे की समस्या है वो भी ठीक हो जाती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका कुमारी है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। क्या समस्या है स्कूल में? यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट बहुत ज्यादा, लेकिन टीचर की संख्या बहुत कम है। लगभग कितने छात्र हैं आप लोग? यहाँ पर 400 छात्र हैं और टीचर सिर्फ 4 या 5 हैं। सिर्फ 4 या 5 टीचर हैं, तो क्लास नहीं कर पाते हैं आप लोग? पूरा क्लास नहीं हो पाता, सब सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। आपका नाम मैडम? मेरा नाम निखत अर्पिया है, और हम साइंस के टीचर हैं, विज्ञान के। यहाँ क्या क्या समस्या है मैडम? यहाँ समस्याएं तो काफी है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, यहाँ 9 और 10 की क्लासेस होती है, और हमारे पास बच्चों की संख्या 400 से ऊपर है, लेकिन यहाँ कोई भी बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, काफी पुराना बिल्डिंग है, टूटा हुआ है। जब हम लोग बच्चों को लेके क्लासरूम में बैठते हैं तो कब कौन सा छत गिरेगा ये हम लोग को पता नहीं है, और अक्सर ऐसा होता भी आया है, कई बार बच्चे को चोट भी आई है। तो सबसे बड़ी समस्या हम लोग की सर ये है कि यहाँ पे कच्चा अच्छा नहीं है, टूटा फूटा भवन है, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। और जो है ये गर्ल्स स्कूल है, लड़कियों का विद्यालय है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो बाथरूम है वो बच्चों के लिए नहीं है। 2 बाथरूम है, लेकिन वो भी जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण हमारी जो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं उनको मैदान में जाना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, अभद्र लगता है देखने में। और उसके बाद है कि जो हमारे स्कूल का कैंपस है, जो बिल्डिंग बाउंड्री है वो टूटा हुआ है, तो कई बार होते हैं कि गांव वाले लोग जो है यहाँ आ जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाई में काफी डिस्टर्ब होता है, अपना मवेशी को यहाँ वो छोड़ के जाते हैं, या कई बार बाहर के लड़के आ जाते हैं, तो हम लोग को काफी समस्या देखनी झेलनी पड़ती है। और फिर जो है बाहर जो है वो आप आते वक्त देखे होंगे कि एक नाला है, जिससे कि जब हम गेट में घुसते हैं तो बरसात के दिन में पानी, सारा पानी बाहर से क्लास के अंदर चला आता है, तो जिससे बच्चे जो है वो भींग जाते हैं, कई बार लड़कियां गिर भी जाती है। साइकिल का कोई स्टैंड नहीं है, इसीलिए हम लोग को बीच में ही, मैदान के बीच में रखना पड़ता है साइकिल, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो लड़कियों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। और नीचे आप देख रहे हैं कि कहीं फर्श टूटा फूटा, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग एक ही जगह हमें खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, कि आगे पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग गिर जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ये जो स्कूल है ये बहुत समस्याग्रस्त है, इसमें काफी मुश्किलें हैं बच्चों के लिए। और ये लड़कियों का स्कूल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ कहने का है, कई बार कई अधिकारी भी आए हैं
और वो लोग को हम लोग अपना जो भी समस्या, हम लोग की जो प्रिंसिपल सर है राधा पांडे सर, वो कई बार उससे अवगत कराए हैं, लेकिन कोई भी सुधार या किसी भी तरह का कार्य नहीं हो पाया है। तो मेरा निवेदन यही है कि कृपया करके कम से कम जो कक्ष है, विद्यालय कक्ष, उसको मरम्मत करवाएं, या तो फिर नया कक्ष का जो काम चल रहा है उसको करवाएं, जिससे कि जो हमारी लड़कियां हैं वो आराम से पढ़ सके। सर ये कौन सा विद्यालय है? मैं परियोजना बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी, राधा कुमार पांडे प्रधानाध्यापक जी। यहाँ इस विद्यालय में कई समस्याएं हैं। विद्यालय के सामने, मुख्य गेट के सामने एक बड़ी नाली है जो हमेशा बहता रहता है और गाड़ी पार करने में बहुत कठिनाई होती है, हमेशा एक्सीडेंट हो जाता है। चार दीवारी जहां तहां टूटा हुआ है। मेरा जो कार्यालय है या छत टूट रहा है, हमेशा टूट करके गिरता है। खिड़कियां सब जर्जर स्थिति में है, फर्श टूटा हुआ है, सभी कमरे पूर्णतः जर्जर हैं। 2008 ईस्वी से एक भवन बन रहा था जो अधूरा पड़ा हुआ है, उसके बन जाने से विद्यालय में तो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक हो जाती, व्यवस्था ठीक होती। सरकार के द्वारा इस भवन को डेड घोषित कर दिया गया है और इसकी मरम्मत भी नहीं की जा रही है। शेष कंप्यूटर कक्ष है, शौचालय, विद्यालय का पुस्तकालय है और क्लासरूम है, सभी जर्जर स्थिति में है, उसकी मरम्मत की जा सकती है। 5 कमरे ऐसे हैं जिसकी मरम्मत की जा सकती है। और अधूरा पड़ा जो भवन है, यह यदि बन जाता तो विद्यालय की व्यवस्था अच्छी हो जाती। यहाँ स्वच्छता के नाम पर 2 शौचालय भी बना हुआ है, उसकी टंकी टूटी हुई है, किसी तरह से व्यवस्था की जाती है। इस विद्यालय में 500 छात्राएं पढ़ रही हैं, दूर दराज से आती हैं, जोखिम में डाल करके हम लोग को भी बैठना पड़ता है, छात्राओं को भी बैठना पड़ता है, और सरकार के उदासीन रवैये के कारण 5 वर्षों से कोई मरम्मत या किसी प्रकार का विकास में कोई पैसा नहीं दिया गया है। न कभी रंग रोगन हुआ, न किसी तरह की व्यवस्था है, हम लोग किसी तरह से यहाँ व्यवस्था चला रहे हैं। इसकी शिकायत आप पहले लिखा आवेदन दिए हैं? हाँ, इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री से लेकर अपने विभागीय सभी पदाधिकारियों को भी दिया गया, लेकिन उनके ओर से केवल आश्वासन मिलता रहा, अभी तक कोई प्रक्रिया हुई नहीं। प्रयोगशाला क्या क्लास चलती है सर वहाँ जो कंप्यूटर रूम है? हाँ, प्रयोगशाला में क्लास चलती है। सर आपके विद्यालय में जो कोर्स फंडिंग है उसमें क्या पैसे नहीं है क्या? जी हाँ, विकास कोर्स में लगभग 20 लाख रुपए हैं, लेकिन विधायक एक बार अनुशंसा किए भी थे, लेकिन अनुशंसा होने के बाद केवल कागजी रह गया और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग विकास फंड में पैसा डालते हैं, लेकिन उसमें खर्च करने का अधिकार हम लोगों को 1000 से अधिक है नहीं, उतने से कोई विकास का कार्य हो नहीं सकता है। यदि आदेश हो जाए तो उससे हम लोग को विधायक अनुशंसा कर देते और जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से आदेश हो जाता या मंत्री का आदेश हो जाता तो हम लोग 20 लाख रुपया तक भी विद्यालय कोष से भवन की मरम्मति और चार दीवारी या साइकिल सेट या शौचालय अच्छी व्यवस्था हम लोग कर सकते थे। तुम लोग से कोई मतलब वहां से कुछ रिजल्ट नहीं मिला, बात की है तो पूर्व के विधायक से हम लोग अनुशंसा करवाए थे, लेकिन अनुशंसा बन करके ही रह गया। उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री महोदय से भी हम लोग बात किए थे, लेकिन नहीं हुआ। ये सूचना वर्तमान विधायक को अब दिए है? नहीं, वर्तमान विधायक को सूचना नहीं दी गई।